ओके तो अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम छोटा सा ले ले, एन इन्वेस्टर डिपॉजिट्स रुपीज 70,000 एनुअली फॉर 5 ईयर्स। ही डिपॉजिट्स द मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%। तो हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमारा अमाउंट ऑफ एनुइटी 70,000 है, टाइम है 5 ईयर्स जो कि हमारा एन है, द मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्डिनरी एनुइटी है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ऑर्डिनरी एनुइटी। एंड ऑर्डिनरी एनुइटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स मेड एट द एंड ऑफ अ डिफाइंड पीरियड। तो एनुइटी का फॉर्मूला लगेगा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इफ द डिस्काउंट रेट इज 10%। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी निकालना है जिसका फॉर्मूला ये है। हमें डिस्काउंट रेट दे रखा है 10% और 5 ईयर्स टाइम है। तो हम चार्ट की तरफ देखेंगे। टेन परसेंट ये रहा 5 ईयर्स, से यहाँ पे 5 ईयर्स लिखा है, और अगर हम ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा देखें, और हमें रेट 10% दे रखा था यानी ये। तो अगर हम यहां से जाएंगे 5 साल और 10 पे रुकेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.791। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है PVF R into N। तो इसी चार्ट से हमें पता चला कि हमें PVF रेट और टाइम जो है उसकी वैल्यू मिल गई 3.791। उससे हमने अपनी अमाउंट ऑफ एनुइटी से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी मिल गई जो कि है 2,65,370। थैंक यू।